हरी अप हरी अप चल काम में अरे अरे फटाफट कर थोड़ा फटाफट कर अरे तो जल्दी कर जल्दी खड़ी हो चल खड़ी हो चल 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 मैं वहां से कुछ लेके आई नहीं अभी धीरे काम करी चल 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 अपनी माँ से लेके आ देख भाई इस बार मेरे दोस्त के लड़का हुआ है मैं भी जाता हूँ अपने भी लड़का हुआ है देखो जी छोरा और छोरी अपने लिए तो एक ही नहीं मेरे को तो अपने वंश के लिए लड़का नहीं चाहिए आगे प्रगति के लिए श्यामलाल हाँ डॉक्टर साहब लड़का हुआ मेरे लड़की हुई है तुम्हें ले जाओ इसको यहाँ से नहीं देखनी शक्ल इसकी मेरे को अरे तो क्या हुआ लड़की मेरे को लड़का चाहिए रामू बेटा आया बापू धोक दो बापू खुश रहो हाँ बेटा कहाँ जा रहे हो स्कूल बेटा पढ़ लिख के घर का नाम घर वालों का नाम रोशन करना अपनी तरक्की पे ध्यान रखना पढ़ाई लिखाई करना बड़ा आदमी बनना ठीक है और बापू प्रणाम हाँ ठीक है मैं भी पढ़ने जाऊँ क्या क्या बोली भाभी बोल वापिस बोल पढ़ने जाऊँ चले ऐसे घर में माँ का हाथ उठाओ काम में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी खेलने जाऊँ मैं सहेलियों के साथ क्या बोली भाभी बोल घर बैठ के अपनी माँ का हाथ बटा काम में सीता बेटा इधर आओ जी बापू देखो तुम्हारे लिए बढ़िया रिश्ता है बढ़िया घर से अपने रामपुर गांव से लड़का अच्छा है घर बार अच्छा है इसलिए तुम्हारी शादी करा रहे अभी मुझे शादी नहीं करने की तो 12 साल बेटा घर बार संभालना है बाल बच्चे संभालने हैं शादी कर लो मेरी बात मान लो अभी बोलो शादी करा रहे हैं तुम्हारी इल्ला घर बार तो सही कर लो लड़के वाले तुमको देखने आ रहे हैं अभी मुझे शादी नहीं करनी क्यों नहीं करनी क्या है चलो ऐसे मैं शादी कराएंगे मतलब कराएंगे अभी Till now, we have seen how much struggle the rural women are facing in their just villages. So now we are going to come at the greatest center, which is helping a lot for overcoming these problems. And that is the Anganwadis in different villages that are situated by our government. तो हम यहाँ जो आंगनवाड़ी के अंदर आए हैं ये इस आंगनवाड़ी की आशा जी हैं इनसे हम कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि ये कैसे रूरल वीमेन जो है जो गांव की औरतें हैं इनकी हेल्प करेंगे हेल्प करती हैं और कैसे उनको सूझबूझ से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे मैम मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और आप सिर्फ मुझे इन चीजों का आंसर करिएगा कि आप कैसे जो है गांव की औरतें हैं उन्हें आगे बढ़ाने में और उनकी हेल्प करने में कैसे सहायता मेरा जो सबसे पहला हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम अगर बचपन से ही स्टार्ट करें तो बचपन से ही लड़की को जो है पैदा होने पर या ये देखा जाता है कि लड़की है तो उसे मार दिया जाता है या फिर लड़की है तो उसे मतलब अपशगुन माना जाता है तो उससे मतलब लड़की पैदा होना औरत के लिए और परिवार के लिए इतना खुशनुमा नहीं होता जितना लड़का तो आप इसके लिए क्या मतलब कुछ क्या सुझाव देते हैं गाँव वालों को कैसे मतलब एक समान होते हैं जब लड़की औरत जब ससुराल आती है तो वो गर्भधारण करती है तब उनके वो तो नहीं चाहती है पर उसके सास ससुर चाहते हैं कि भाई पता लगे तो भाई उनके लड़का है कि लड़की है क्योंकि वो वैसे ही चाहते हैं कि भाई लड़की पैदा होगी तो हमारे लिए बोझ बनेगी हमारे सर पे बोझ बनेगी इसलिए वो 3 महीने में जाके उसे हॉस्पिटल ले जाके उनका गर्भधारण करवाते हैं तब उनको देखती है कि भाई अल्ट्रासोनोग्राफी करवाती है वो देखती है कि अगर लड़का है या लड़की है अगर लड़की होती है तो उसे गर्भ में मृत्यु कराने के चाहते हैं तब हम उन्हें जब हमें मालूम पड़ता है तब हमें समझाते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है लड़का हो चाहे लड़की दोनों माता पिता के लिए एक समान हो चाहिए लड़की होना या लड़का होना कोई गर्भ के बाद नहीं है कि लड़का ही होना चाहिए इसके लिए कि भाई जब अगर लड़की पैदा होती है तो माता पिता के लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए
क्योंकि अगर आज के जमाने के अंदर लड़की लड़की पैदा होती है तो ही अच्छे मानते हैं, लड़का अगर होता है तो एक वही है कि भाई लड़का तो अपने पिताजी का माताजी का अच्छा सम्मान नहीं करता जितना कि लड़कियां करती हैं। लड़की को जब वो मतलब कि मृत्यु करने के लिए जाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि भाई आज कितनी महिलाएं भी कितनी काफी ऊपर आगे बढ़ चुकी है, लड़का जितना पढ़ाई लिखाई नहीं करता उनसे ज्यादा लड़कियां पढ़ाई कढ़ाई करती है। जब अगर बेटा अगर माँ के पास नहीं उनकी देख रेख करता, उनकी बीमारियों में उनके पास नहीं जाता है तब लड़कियां ही आगे जाती है, इसलिए लड़की एक अभिशाप नहीं माने। तो आपको क्या लगता है, आप ये जो सजेशन देते हैं गांव वालों को, ये जो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो उनसे वो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि हम उन्हें सारा कारण बता देते हैं कि भाई लड़की जब होएगी तो माता पिता के लिए तो सुबह की बात ही होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न ये आता है कि औरतों को जो है गांव में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि शहर की औरतें इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करती, गांव की औरतों को बहुत दूर दूर जाकर कांटे वगैरह लेके आने पड़ते हैं, उन्हें ईंटें उठानी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा मतलब काम करना पड़ता है। तो आप इसके लिए कुछ मतलब उनकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब उन्हें किसी तरह से, मैं जहाँ तक जानता हूँ शायद लोन वगैरह प्रोवाइड करते, पूछ आप किसी तरह से उनकी हेल्प करते हैं? हम महिलाओं को ये बताते हैं कि अगर जब अपने पति घर से बाहर कमाने जाते हैं तो वो ड्रिंक करके ही आते हैं, वो शराब पीते हैं, उस चीज के अंदर जितना वो कमाते हैं वो शराब पी जाते हैं, इस वजह से घर के अंदर जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है उनको। तब हम उनसे ये कहते हैं कि अगर जब वो महिलाएं अगर घर ही घर में रहेगी तो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगी, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाएगी वो, और घर घर के अंदर भी वो अपना देख रेख नहीं कर पाएगी। इस वजह से हम उन्हें बताते हैं कि भी अगर वो घर के बाहर जाती है कमा के लाती है तो अगर वो 400 रुपए एक दिन लेके आती है तो 200 रुपए महीने के वो सेव करें ताकि उनके बच्चे के ही काम में आए, अपने बच्चों के लिए उनके पढ़ाई लिखाई पे भी खर्च कर सकती है, बच्ची जब बड़ी होगी तब वो उस पे लोन उठा सकती है और अपने पास उस अपना काम कर सकती है, निकाल सकती है। इस वजह से जब महिलाएं अपने पति आते हैं वो तो शराब पी जाते हैं तो उनके पास बच्चे तरक्की नहीं हो पाती, इस वजह से वो घर से बाहर जाती है तो वो एक अच्छा ही करती है ताकि जो मैं कमा के लेके आऊंगी आधा घर में खर्चा करूंगी और आधा में उसे बचत राशि करूंगी, ताकि वो जब उनकी बच्ची, हम उन्हें ये समझाते हैं अगर तुम अपने बच्चों की शादी करोगे तो 18 साल बाद ही करनी है तुम्हें, जब वो बालिग हो जाए उससे पहले नहीं करनी है। अगर हम उसे पैसा देंगे तो इसी शराब पे इकट्ठा करके देंगे, 18 साल बाद ही वो शादी करे, उससे पहले नहीं करे, ताकि वो अपने वो जितना भी पैसा इकट्ठा करते हुए एक दो महीने में तो 50-60 हजार रुपए इकट्ठे नहीं हो पाते, अगर 100 रुपए 10 रुपए 50 रुपए में इकट्ठा करती है तब वो जाके हमारी कहना मानती है, वहाँ पर उनकी इच्छा होती है वो, अगर वो डेली जमा कराना चाहे तो वो डेली करा सकती है, मंथली जमा कराना चाहे तो मंथली करा सकती है, उनके पास जितना पैसा आता है वो उतना हमारे पास जमा करा। और ये आपका यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि आप उन्हें तभी शादी करने देना चाहते हैं जब उनका लड़का या लड़की उस शादी के लायक हो जाती है। हाँ, तब हमें मालूम रहता है कि भाई अब 18 साल की हो गई, वो पैसा जमा करा दी तो वो शादी के लिए ही हमसे मांगते हैं, अगर शादी पे नहीं तो हम उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए बताते हैं, जब पढ़ाई करना उस बच्चों के काम में लो, इसलिए वो संघर्ष करने जाती है वो। अच्छा, एक ही प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि है ना, गर्ल्स को जो है पढ़ाई करने के लिए मना किया जाता है, उनको चार दीवार के बंद मतलब अंदर रखा जाता है, काम के लिए सिर्फ कहा जाता है, जहाँ मतलब लड़कों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है जबरदस्ती करने, वहाँ ही लड़कियों को रोका जाता है और उन्हें पढ़ाई नहीं करने दिया जाता, तो इसके लिए क्या कुछ गवर्नमेंट कदम उठा रही है कुछ मतलब आप लोग कुछ? जब लड़कियां बाहर रहती हैं, जब लड़कियां बाहर निकली नजर आती हैं हमारे पास, हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम घर पे क्यों हो, तब वो कहती हैं कि हमारी मम्मी हमको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज रही है, हमको पांचवी तक पढ़ा दिया, पढ़ाई नहीं करवा रही है। तब हम उनकी मम्मी को बुलाते हैं, हम समझाते हैं कि भाई अभी तक सरकार ने काफी अच्छी सुविधा कर रखी है, अब बच्चियों को लड़कियों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री पढ़ाई करा रहे हैं, उनको बुक्स भी फ्री दे रहे हैं। फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट ने वो सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए? लड़कियों के लिए
लड़कियों के लिए तो उनको ड्रेसें भी मिलती है, जो गरीब रहते हैं उनके लिए ड्रेसें भी देते हैं, बच्चों के भी उनके पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वो ड्रेस भी देते हैं उनको, उनको बुक्स भी देते हैं, उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है कि भी एक साल के अंदर जो भी कुछ खर्चा लगता है तो उन्हें एक साल बाद में मिल जाता है, किताबें उन किताबों के लिए खर्च होता है तो किताबें भी वो उनको फ्री में देते हैं कि ताकि बच्ची आगे पढ़े, सर्दी के टाइम में स्वेटर भी देते हैं, हर चीज से वो लड़कियों पे इसलिए रहते हैं कि भाई इनके माँ बाप खर्चे की वजह से उनको लड़कियों को नहीं पढ़ा सके, ये हम उन्हें जानकारी देते हैं जब वो लड़कियां हमसे कहती है। जैसा कि हमने देखा है कि गवर्नमेंट और आंगनवाड़ी जिस तरीके से अपनी हेल्प कर रहे हैं वुमेन्स और गर्ल्स को एजुकेशन और हर फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए, उनकी तरफ से उन्हें काफी सपोर्ट दिया जा रहा है, बैंक की तरफ से हर तरीके से उन्हें हेल्प करने की कोशिश की जा रही है, उनको हर तरीके से स्कॉलरशिप्स दी जा रही है ताकि गर्ल्स को और वुमेन्स को आगे बढ़ाया जा सके, पर लेकिन ये सब सपोर्ट जब तक मुमकिन नहीं है, जब तक आप लोग अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, वी कॉमन पीपुल्स आर नॉट हेल्प, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जब तक बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा जब तक आम पब्लिक इस चीज के लिए अपना सजेशंस और अपने तरफ से कोई काम नहीं करती है, हम सबको अपनी ओर से हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे प्ले के अंदर लड़की के पिताजी ने लड़की की शादी 12 साल की उम्र में करानी चाहिए, वो बहुत गलत है क्योंकि एक लड़की की शादी 18 साल से उम्र कम में नहीं होनी चाहिए, इससे वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, और अगर वो स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी तो आगे जो जनरेशन बढ़ रही है हिंदुस्तान के लिए वो अच्छी तरक्की नहीं कर पाएगी, इससे हम भी चाहते हैं कि जो लड़की है उसके शादी 18 साल की उम्र में ही होनी चाहिए, इससे कम में नहीं होनी चाहिए, अगर उससे कम में होती है तो वो बहुत ही गलत है। बोल। मेरा ये मानना है कि एक लड़के से ज्यादा एक लड़की को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़का जब पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, लेकिन लड़की अगर पढ़ेगी तो अपने घर परिवार को घर परिवार के लिए पढ़ेगी, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने पति के साथ आगे काम करके अपना घर। हमने अभी तक हमने सिर्फ रूरल वीमेन की बात की है, लेकिन हमारे अर्बन एरियाज में भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि हम लेडीज को या फिर गर्ल्स को बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं या फिर उन्हें अपनी आराम से जिंदगी जीने दे रहे हैं, ऐसा जो रूरल एरियाज में जो लेडीज वगैरह फेस करती हैं वही चीज वो अर्बन एरियाज में भी फेस कर रही हैं। इवन यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ योर फैमिलीज, इवन इन योर फैमिलीज यू माइट हैव सीन दैट द लेडीज और योर मदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट अलाउड टू लिव अ फ्री लाइफ एज लाइक एज यू, एंड मोर ओवर आप लोगों में भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्यूचर में अपनी वाइफ को काम नहीं करने देना चाहते होंगे, तो ये चीज हम ये नहीं कह सकते सिर्फ रूरल इंडिया में ये चीज हम फेस करते हैं, इवन हमारे अर्बन एरियाज में भी आज ये चीज आज ये स्ट्रगल जो वीमेन फेस कर रही है वो हमारे अर्बन एरियाज में भी इट इज प्रिवेलिंग। थैंक यू। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा।